नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि अनवर मंसूर खान ने एक मामले में पाकिस्तान के शीर्ष अदालत के संदर्भ में कुछ अनुचित टिप्पणियां की थी। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा से पहले कहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही शानदार व्यापार समझौता हो सकता है। गौरतलब है कि यह डील अमेरिकी चुनाव के बाद हो सकती है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि भगवान शिव सभी को शांति, समृद्धि, सौभाग्य का आशीर्वाद दें। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में सेना के नए मुख्यालय के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। आपको बता दें कि नए मुख्यालय का नाम थल सेना भवन रखा गया है, जो करीब 39 एकड़ में फैला होगा। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष थिएटर कमान अभी विचार विमर्श के स्तर पर है और कुछ भी तय करने से पहले इस पर विस्तृत चर्चा होगी। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, एप्पल के CEO टिम कुक का पीछा करने वाले भारतीय मूल के शख्स राकेश शर्मा पर उनके आसपास जाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि शर्मा ने कुकी पालो अल्टो प्रॉपर्टी में जबरन घुसकर उन्हें फूल व शैंपेन देने की कोशिश की थी। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, महाशिवरात्रि के भक्तिमय उल्लास के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस यहां से अपने पहले नियमित वाणिज्यिक सफर पर रवाना हुई। यह रेलगाड़ी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी कारपोरेट ट्रेन है, जो 3 ज्योतिर्लिंगों ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ती है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, दिल्ली के मुनिरका में 6 मंजिला इमारत को खाली करा लिया गया है, जिसमें 45 लोग रह रहे थे। वहीं आसपास के इमारतों में रह रहे 100 लोगों को भी घरों से बाहर निकाल लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 5-6 साल पहले बिना इजाजत लिए इस इमारत में 2 और फ्लोर बना लिए गए थे, जिसे तोड़ा जाना है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, महाराष्ट्र का CM बनने के बाद उद्धव ठाकरे के पहले दिल्ली दौरे को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव PM मोदी से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, इस पर ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अंदर भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति लगाई जाए। इसके साथ ही भारद्वाज ने कहा है कि वह इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखेंगे। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, AIMIM नेता वारिस पठान ने 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मैं जानबूझकर या अनजाने में भी कभी ऐसा नहीं बोल सकता जो किसी जाति, धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिए गए देश को समाजवाद नहीं राम राज्य की अवधारणा चाहिए वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इसका अर्थ है कि वह संविधान के खिलाफ हैं, गरीबों की जगह पूंजीपतियों के साथ हैं। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2.5 साल में प्रदेश में करीब 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा के लिए हर जिले में हब बनाएगी। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि फ्रांस का ग्रुप ADP उनके हवाई अड्डा कारोबार में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस सौदे के तहत GMR समूह को 5,248 करोड़ रुपए तुरंत मिलेंगे, इससे कंपनी के कर्ज को चुकाने में मदद मिलेगी। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, भारतीय स्टेट बैंक कार्ड का IPO 2 मार्च 2020 को खुलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस IPO से कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ की रकम जुटा सकती है।
और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, ट्राई ने आज दैनिक 100 एसएमएस के ऊपर भेजने वाले हर मैसेज पर 50 पैसे के तय दर से लिए जाने वाले शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि ट्राई ने 2012 को जारी आदेश में अनचाहे मैसेज की समस्या को दूर करने के लिए न्यूनतम 50 पैसे का शुल्क अधिसूचित किया था। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए रिसर्च के मुताबिक माँ का दूध बच्चे के ब्रेन के विकास में मदद करता है। यह न केवल बच्चे के दिमाग का विकास करता है बल्कि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड FL संज्ञात्मक ग्रोथ में भी मदद करता है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 112 रन बनाए, पर बारिश के कारण आज का खेल समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि कल फिर सुबह 4 बजे दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा सैरोगेसी से एक बेटी के माता पिता बन गए हैं, जिसका नाम उन्होंने समीसा शेट्टी कुंद्रा रखा है। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के हाथ की तस्वीर शेयर कर उसके नाम का अर्थ बताया है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का ऐलान हो चुका है, जहां इस बार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 को ये पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।